हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत कर्मचारी को मिलने वाली छुट्टी के प्रकार एवं उनके समय अवधि के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा भारतीय रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा छुट्टी मिलते होंगे वही छुट्टी भारतीय रेलवे कर्मचारी को मिलते हैं। इसलिए आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या भारतीय रेलवे, दोनों को मिलने वाले छुट्टियों यानी अवकाश नियम के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारा औसत वेतन छुट्टी, जिसे हम LAP के रूप में जानते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म लीव एवरेज ऑन पे होते हैं, जो एक वर्ष में टोटल 30 दिन मिलते हैं, जो अस्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारी को दोनों को मिलते हैं। वर्ष में यह दो बार आते हैं, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 15-15 दिन की क्रेडिट में जमा किए जाते हैं। यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा कर सकते हैं कर्मचारी अपने अकाउंट में, एवं LAP मैक्सिमम कर्मचारी एक बार में मैक्सिमम 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। सेकेंड छुट्टी की बात करें तो अर्ध वेतन छुट्टी होते हैं, जिसे हम HLAP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हाफ लीव एवरेज पे होता है, जो एक वर्ष में 20 दिन के लिए होते हैं और सभी अस्थाई एवं अस्थाई दोनों कर्मचारियों को मिलते हैं। वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन के केस में जमा अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, इसे आप पूरा जमा कर सकते हैं, लेकिन LAP के केस में मैक्सिमम 300 ही जमा कर सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करें छुट्टी की, तो हमारा कम्यूटेड छुट्टी होते हैं। यह छुट्टी हमारा चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होती है और अर्ध वेतन छुट्टी के दोगुने दर से यह कटौती होगी। यानी अगर हम कम्यूटेड लीव 10 दिन के लिए लेते हैं तो हमारा HLAP 20 दिन कटेंगे, जो हमारा 10 दिन की पूर्ति कर देंगे, जिसके लिए हमें चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेंगे HLAP को कटवाने के लिए, कम्यूटेड छुट्टी को पूर्ति करने के लिए। चौथे छुट्टी की बात करें हम, तो हमारा होता है बिना वेतन छुट्टी, जिसे हम LWP भी बोलते हैं, लीव विदाउट पे। यह सभी अस्थाई एवं अस्थाई रेलवे कर्मचारी को देय होते हैं, जब उनके खाते में कोई छुट्टी बकाया नहीं हो तो उस केस में LWP यानी लीव विदाउट पे, बिना वेतन छुट्टी दिए जाते हैं, जो पूरे कार्यकाल में हमारा 360 दिन का ही मैक्सिमम दे सकते हैं। चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर एक समय में अधिकतम 90 दिन के लिए स्वीकृत की जाती है। और आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है और आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी से इसको डिबिट की जाएगी। नेक्स्ट छुट्टी की बात करें तो हमारा होता है स्टडी लीव, जिसे हम अध्ययन छुट्टी बोलते हैं, जो हमारा पेशेवर तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए, जिसका सीधा संबंध हमारा रेल कार्य को बेहतर बनाना हो उसके लिए मिलते हैं, जो एक बार में हमारा 12 माह के लिए मिलते हैं और पूरे सेवाकाल में मैक्सिमम 24 माह के लिए ले सकते हैं। छठे नंबर पर हमारा आते हैं मातृत्व अवकाश, जिसे हम ML यानी मैटरनिटी लीव भी बोलते हैं, जो सभी अस्थाई एवं अस्थाई महिला रेल कर्मचारी के लिए दो जीवित बच्चों के लिए देय होते हैं और इसे एक बार में 180 दिन तक मिलती है। बच्चा गिरने या गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवाकाल में 45 दिन की छुट्टी महिला कर्मचारियों को दी जाती है। यह किसी भी प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, या आप LAP ले सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं, या CL या HLAP किसी भी छुट्टी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। महिला कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रहे हैं
उसके बराबर भी उसके छुट्टी में रहने पर भी उसको वेतन दिए जाएंगे एमएल मैटरनिटी लीव के अंतर्गत। किसी छुट्टी यानी एलएपी एचएलपी या सीएल से कटौती नहीं की जाएगी इस छुट्टी की। नेक्स्ट छुट्टी की बात करें तो नेक्स्ट छुट्टी हमारा पितृत्व अवकाश, जिसे हम पीएल बोलते हैं, यानी पैटर्निटी लीव, जो सभी पुरुष रेल कर्मचारी को दो जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिन तक इसको लिए जा सकते हैं। इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर उनका छुट्टी समाप्त माना जाता है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ अटैच कर सकते हैं और 15 दिन की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत की जाएगी। किसी भी छुट्टी खाते से कटौती नहीं की जाएगी क्योंकि यह 15 दिन का एक्स्ट्रा लीव होते हैं। आठवें नंबर की बात करें तो विशेष आवश्यकता सक्षमता अवकाश होता है, यानी स्पेशल डिजेबिलिटी लीव होते हैं। यानी रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर और मिलती है। अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जाती है, जो किसी भी छुट्टी खाते से कटौती नहीं की जाती है। नौवें नंबर की बात करें तो यह हमारा आकस्मिक अवकाश होता है, जो हमारा कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार होते हैं, जो हमारा कार्य जो हमारा डीआरएम ऑफिस वगैरह में कार्यरत होते हैं या कार्यालय में कार्यरत होते हैं उसको सीएल टोटल कैजुअल लीव जिसे हम बोलते हैं 8 दिन के लिए मिलते हैं, जबकि ओपन लाइन वगैरह में कार्यरत कर्मचारी के लिए यह टोटल 10 दिन के लिए होते हैं, तथा जो दिव्यांग कर्मचारी हो उसको 4 आर्थिक दिन दिए जाते हैं, यानी 10 अगर कार्यालय में होंगे तो 12 दिन या ओपन लाइन में होंगे तो टोटल 14 दिन को दिव्यांग व्यक्ति के लिए आकस्मिक अवकाश होते हैं। यह कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह कैलेंडर पिछले कैलेंडर वर्ष की बकाया आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। यह छुट्टी आधे दिन यानी दोपहर के पूर्व या दोपहर के पश्चात के लिए भी स्वीकृत की जा सकती है। आगे है शिशु देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं, यानी महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल में पहले दो बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक पालन हेतु दिए जाते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष यानी कुल 730 दिन तक स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है और एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए मिलेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार यह छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। इस छुट्टी की कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा। इस अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। उचित सक्षम अधिकारी के पूर्व मंजूरी से सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव अवधि में मुख्यालय छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपरोक्त स्वीकृति की गई छुट्टी को सक्षम अधिकारी कैंसिल भी कर सकते हैं तथा महिला कर्मचारी को पुनः कार्य पर बुला सकते हैं। शिशु देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव जो पुरुष रेल कर्मचारी को भी दिए हैं, ऐसे पुरुष रेल कर्मचारी जो सिंगल पेरेंट है उन्हें पहले दो बच्चों की देखभाल हेतु उपयुक्त शिक्षा देखभाल अवकाश स्वीकृति दिए जा सकते हैं। 11 नंबर की बात करें तो ये होता हमारा अस्पताल अवकाश, जिसे हम आईओडी यानी इंजरी और ड्यूटी के रूप में भी जान सकते हैं। यानी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारी को अस्पताल अवकाश दिए जाते हैं। रेल कर्तव्यों को निर्वहन के दौरान जोखिम के कारण बीमारी या चोटों से उपचार के लिए होते हैं।
यह प्राधिकृत चिकित्सा के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किए जाते हैं। यह छुट्टी पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि के लिए आधे वेतन के बराबर छुट्टी दे होते हैं। महाप्रबंधक द्वारा सीमा रहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी की कटौती छुट्टी खातों से नहीं की जाएगी बल्कि अलग से इसके लिए होंगे प्रावधान। यह छुट्टी किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़े जा सकते हैं परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट है हमारा छुट्टी का नकदीकरण, यानी पहले ही बता चुके हैं कि LAP मैक्सिमम 300 से ज़्यादा आप क्रेडिट यानी जमा नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर 300 से ज़्यादा होते हैं या जब भी आपको ज़रूरत हो कि LAP को इन कैश कराना है तो एक बार में आप 10 दिन की तथा पूरे सेवा काल में आप 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं। 2 वर्ष में आप एक बार और पूरे सेवाकाल में 6 बार आप छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं। छुट्टी नकदीकरण के पश्चात आपके छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होना मिनिमम होना आवश्यक है। छुट्टी नकदीकरण आवेदन के साथ पास PTO की प्रति कम से कम एक दिन की CL LAP छुट्टी स्वीकृत की प्रति जोड़ना आवश्यक होते हैं। छुट्टी नकदीकरण बेसिक प्लस DA डिवाइडेड 30 × 100 10 के अनुसार होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इस वीडियो के बाद आपको कोई समस्या आती है छुट्टी के प्रकार टाइप्स या अवधि के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जिसे मैं उसको सॉल्व कर सकूँ।